खुंभ शहर सोलन की 22वीं वर्षगांठ पर खुंभ अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय मशरूम मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के मशरूम उत्पादक सहित देश के लगभग 10 राज्यों के 800 खुंभ उत्पादकों ने खुंभ उत्पादन तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी में भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्य समिति के सदस्य सुरेश चंदेल ने किया। इस दौरान निदेशालय की ओर से किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मेले में अधिकतर प्रदर्शनी बाहरी राज्यों के किसानों की देखने को मिली। यहां के स्थानीय उत्पादक इस मेले में नदारद दिखाई दिए। कारण जो भी हो, मशरूम सिटी के नाम से प्रख्यात जिला सोलन व खुंभ मेले में सिर्फ 2-4 किसान ही प्रदर्शनी में मौजूद थे। मुख्य अतिथि सुरेश चंदेल ने कहा कि खुंभ उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है व अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि खुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन को बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के मुद्दे को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा, ताकि देश भर के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। इस एक दिवसीय मशरूम मेले व प्रदर्शनी से बाहरी राज्यों के उत्पादकों को और लोगों ने मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। मशरूम मेला हर 10 तारीख को मनाया जाता है, और जिसके कारण यहां पर जो वैज्ञानिक नई किस्में ईजाद करते हैं उनकी जानकारी लोगों को मिल सके, और जो नई टेक्नोलॉजी यहां निर्माण होती है वो भी लोगों तक पहुंच सके। मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा प्रयास वर्षों से हो रहा है यहां पर, और इसके कारण मशरूम को लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए और लोग इसको अपनाएं और नई टेक्नोलॉजी का आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें, इस दृष्टि से इस मेले का बहुत लाभ लोगों को रहता है। एकमात्र इंस्टीट्यूट है, इस बात की मुझे खुशी है, और ये इंस्टीट्यूट और बड़ा हो, इसमें ये उसका संस्थान का रूप ले, उस दृष्टि से बात भी करेंगे और ICR की गवर्निंग बॉडी में भी इसकी चर्चा करेंगे।